प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम पतंजलि योग सूत्र के ब्लॉक वन में यूनिट नंबर टू पे, जो पिछली क्लास हमारी चली थी उससे आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, उसमें हमने देखा था कि महर्षि पतंजलि ने ओम के जप का और उस ईश्वर के जो वाचक शब्द हैं उसका वर्णन किया था। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे एक सूत्र आता है जो गीता में चौथे अध्याय के चौदहवां सूत्र है। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, न मा कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मा यो अभिजानाति कर्म भिन्न न बध्यते। अर्जुन, कर्म मुझे लिपाए मान नहीं करते क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस कर्म का फल है परमात्मा, परम तत् परमात्मा का दर्शन स्पर्श और स्थिति मुझसे भिन्न नहीं है। मैं वही अव्यक्त स्वरूप हूँ, कर्मों का फल मुझसे विलग नहीं है। आगे कहते हैं, इति मा यो भी जानाति, इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण जो भी हों, पुरुषोत्तम, परब्रह्म, वह स्थिति सबके लिए सुलभ है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इस सूत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्थिति को प्राप्त किया कि मुझे कर्म के बंधन नहीं बांधते। अब यहाँ महर्षि पतंजलि को जब हम देखते हैं तो इसी आशय को महर्षि पतंजलि ने भी प्रस्तुत किया कि ईश्वर का वाचक, आप देख सकते हैं, ईश्वर का वाचक प्रणव है, उसका जप करें। तदपस्त दर्थ भावनम, अभी हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था, तदपस्त दर्थ भावनम, उसका जप करें और उसके अर्थ की भावना का चिंतन करें। यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का चिंतन करें जो सर्वज्ञ है, गुरुओं का गुरु है, सदगुरु है, किंतु शरीर के अंतराल में कुछ ऐसे विघ्न हैं जो जप और ध्यान में मन को टिकने नहीं देते। तो हम योग के लिए प्रयास कर रहे हैं शिक्षार्थियों, लेकिन क्या होता है, योग करते समय हमारा मन उसमें नहीं लग रहा है, कुछ न कुछ ऐसे विघ्न आते हैं। वहीं पे यहाँ पे वही बात महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगे सूत्र के द्वारा हम देखेंगे, महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में उन्होंने कहा है, ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अंतराया भावश्च। हम देख सकते हैं, ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अंतराया भावश्च, अर्थात उक्त साधना जो अभी महर्षि पतंजलि ने कहा कि ओम का जप करें और उसके चिंतन करें, उक्त साधना के जप और ईश्वर सदगुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतराया भावश्च, अंतराय अर्थात विघ्नों का, अंतराय का अर्थ क्या हुआ यहाँ स्पष्ट कर देंगे, अंतराय मतलब विघ्न, जो योग के विघ्न हैं उनको महर्षि ने अंतराय नाम दिया है, और उसको ओम के जप और ईश्वर सदगुरु के ध्यान से क्या होगा, वह अंतराय क्या होते हैं, अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और उन विघ्नों का समाप्त हो जाता है, वो विघ्न क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं, जिन विघ्नों का अभाव हो जाता है वे कौन से, फिर महर्षि ने उसको कहा है कि ओम के जप और सदगुरु के ध्यान से विघ्नों का अभाव हो जाता है। प्रिय शिक्षार्थियों, फिर उन्होंने तुरंत बताया वे विघ्न कौन कौन से हैं, ये हमको भी जानना है। योग में जब हम योग मार्ग में आगे बढ़ेंगे, योग की स्थिति को प्राप्त करने की अवस्था में पढ़ेंगे, यम से लेके समाधि तक की अवस्था में धीरे धीरे कर्मोन्नत विकास करते हुए जब हम पहुंचने का प्रयास करेंगे तो विघ्न आते हैं, तो वो विघ्न को भी महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्रों के माध्यम से यहाँ बतलाया। आइए देखते हैं, तो वो विघ्न कौन से, सूत्र के रूप में महर्षि कहते हैं, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस, आवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, स्थित्वानि, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराया। कितना स्पष्ट रूप से ये विघ्न बताया गया है। जब आप महर्षि पतंजलि में पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करेंगे तो पहले पाद के 30वें श्लोक में ये सूत्र हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे महर्षि ने 9 प्रकार के व्याधियों या व्याधि जिनको उन्होंने अंतराय का नाम दिया, यहाँ स्पष्ट रूप से ये 9 विघ्न बताए हैं। कौन कौन से हैं एक बार स्पष्ट रूप से फिर देखते हैं, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व और अनवस्थित्व। अनवस्थित्व ये 9 चित्त के अंतराय, अभी देखिए अंतराय क्या था, विघ्न, ये 9 चित्त के अंतराय हैं।
आंतरिक विघ्न है, इसी चित्त के नौ विघ्नों को आंतरिक विघ्न हम कह सकते हैं। तो हमको योग की प्राप्ति के लिए जो महर्षि ने दूसरे पहले पाद के दूसरे सूत्र को जब हम देखते हैं तो वहाँ उन्होंने कहा था योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने पे योग की प्राप्ति होगी। क्या सूत्र था? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। और चित्त की वृत्तियों का निरोध के लिए ये क्या है? ये विघ्न है। अब देखिए को रिलेट कर सकते हैं, ये नौ विघ्न ही आपको रोकते हैं कि इस चित्त की वृत्ति का निरोध ना होने पाए, और जैसे निरोध करेंगे तभी योगी की प्राप्ति होगी। तो इन नौ विघ्नों को हमें दूर करना है योग मार्ग में, जैसे ही बढ़ेंगे विघ्न आते हैं। अब इनको एक एक करके हम समझेंगे, आइए देखते हैं। पहला विघ्न हमको देखने को मिला व्याधि, तो व्याधि क्या है उसको आइए देखते हैं। तो बाह्य संग दोष न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर ये विघ्न उद्वेलित कर देता है, जिससे साधना में मन नहीं लगता। इन विघ्नों में सर्वप्रथम व्याधि, व्याधि क्या है? रोग है, शरीर या किसी इंद्रिय में रोग उत्पन्न हो जाना, ठीक है ना, चित्त का उससे प्रभावित हो जाना और चिंतन छूट जाना व्याधि है। तो पहला क्या था? शरीर या किसी व्याधि, जो पहला अंतरा है व्याधि है। तो ये व्याधि का अर्थ क्या हुआ? महर्षि ने बताया इसको रोग कहते हैं। रोग कौन से रोग है? तो शरीर या इंद्रिय में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना। रोग को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, कोई पीड़ा हो गई, कोई किष्ट कष्ट हो गया, किसी प्रकार की आपको व्याधि हो गई, तो वो यहाँ पे उन्होंने रोग का नाम दिया उसे। चित्त का उससे प्रभावित हो जाना और चिंतन छूट जाना, जो योग मार्ग में आप लगे हैं जिसको आप प्राप्त करने चाहते हैं, तो ये एक पहला व्याधि है। व्याधि मतलब रोग। दूसरा चलते हैं, दूसरा विघ्न इस्तियान। इस्तियान का अर्थ महर्षि ने स्पष्ट किया है, चित्त का अकर्मण्यता, इच्छा होने पर भी साधना में प्रवृत्त न होने का स्वभाव क्या है? इस्तियान। इस्तियान हमने समझ लिया, इस्तियान क्या है? अकर्मण्यता। सीधे से बात है, आपकी इच्छा है कि कर्म किया जाए लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, इच्छा होने पे भी आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, जानते हुए भी कि यह काम करना है, इससे योग की प्राप्ति हो गई, इस मार्ग में चलना है, फिर भी हम उस कार्य को नहीं करते हैं, तो ये इस्तियान। ये दूसरा विघ्न था। तीसरे पे आते हैं, योग साधना के फल में अपना अपनी शक्ति में संदेह हो जाना, संशय। तो व्याधि, इस्तियान, तीसरा क्या है? संशय। क्या था? योग साधना के फल में अथवा अपनी ही शक्ति, जब आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो यही संशय है। आपको बहुत चीज़ें मिल जा रही हैं, आप बहुत कुछ आपके पास है, आपको सारी जानकारी है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आपको पता है कि ये करेंगे तो ये हमको नहीं प्राप्त होगा, ये पहले ही सोच लेना या संशय कर लेना, तो उससे क्या होगा? ये योग का विघ्न है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, ठीक, साधन के अतिरिक्त अन्य व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करना, प्रमाद। चौथा क्या था? व्याधि, इस्तियान, संशय, और चौथा प्रमाद। प्रमाद क्या कह रहा है महर्षि पतंजलि? क्या कहते हैं? कि अन्य अन्य बातों का चिंतन करना, व्यर्थ की बातों का चिंतन करना, जिससे कोई लाभ योग में आपको नहीं प्राप्त होगा, उन बातों की अगर हम ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, अब कुल मिला के समय का नष्ट करना किसी अन्य बातों पे, तो प्रमाद हो गया, ठीक है ना। चित्त अथवा शरीर के भारीपन होने के कारण नाम जप ध्यान में या योग मार्ग में चलने पर मन न लगना, ऐसा कह सकते हैं, मन न लगना ही आलस्य है। तो ये पांचवा व्याधि है, आलस्य क्या है? मन न लगना। तो ये कई कारणों से हो सकता है। तो यहाँ महर्षि ने बताने का प्रयास किया कि शरीर भारी हो गया, आपने भोजन अधिक कर लिया, या कभी कभी पेट भी नहीं साफ हो रहा है ना, कुछ ना कुछ भारीपन है शरीर में, तो उससे क्या होगा? आलस्य की उत्पत्ति होगी और फिर योग मार्ग में आपका मन नहीं लगेगा। फिर आगे कहते हैं, एक सूत्र आता है, आलस्य निद्रा जमुहाई तीनों काल के भाई। ये बहुत अच्छा हुआ है कि आलस, निद्रा और जमुहाई, जमुहाई आप जानते ही हैं, ये तीनों काल के भाई हैं, इसको हम लोग दूर रखें तो अच्छा रहेगा। आलस से बचने के लिए महात्मा लोग, अब देखिए यहाँ कितना उन्होंने, आप ये समझ सकते हैं क्या करना है आपको। तो महात्मा लोग या जो साधक लोग हैं वो क्या करते हैं? स्वल्प भोजन, भोजन कम कर देते हैं, स्वल्प निद्रा, निद्रा कम करेंगे, और अनुष्ठान करते हैं तथा सदा सचेत रहते हैं। तो स्वल्प भोजन, स्वल्प निद्रा का अनुष्ठान करते रहिए,
सदैव सचेत रहिए, तो ये आलस भी जो पांचवा विघ्न है ये भी दूर हो जाता है। आगे क्या है, आवृत्ति है, जो छठा आपका विघ्न है वो आवृत्ति है। तो कहते हैं कि भजन करते करते कभी ऐसा संयोग आ जाता है कि वासना ही प्रिय लगने लगती है, वैराग्य में त्रुटि आने लगती है, यही आवृत्ति है। अर्थात आपको भजन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, अपना पूरी तरह लगे हैं, लेकिन कभी कभी मन भटक रहा है, दूसरी दूसरी अन्य अन्य व्यर्थ की बातों में वही चिंतन करने लगेगा, वही आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका जो मार्ग है उससे आप भटकने लगते हैं, जिस मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आपको चलना है उस पर न चल के अन्य व्यर्थ की बातों पर आपका मन भटकता है। तो ये कौन सा विघ्न है, अवृत्ति, अविरति, इसको विद्यार्थी याद कर लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विघ्न है, इससे बहुत से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। आप अगर नेट की तैयारी करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन विघ्नों के पे आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, और MA योग के छात्रों के लिए विशेष महत्व है इसका। आगे बढ़ते हैं, योग के साधनों तथा उसके फल को मिथ्या मान लेना। हम योग में मार्ग पे लगे हैं और हमने जो उसका फल की प्राप्ति होना है, जिसको अन्य महर्षियों ऋषियों ने जो योग के साधक है उस पर चल के प्राप्त किया है और उन्होंने बताया है, उन फलों को मिथ्या मान लेना कौन सा है, भ्रांति दर्शन है। भ्रांति दर्शन एक, ये भी एक व्याधि है, इसको क्या है, फलों को मिथ्या मान लेना, जो योग के साधना में लगने पे जो फल प्राप्त है उसको मिथ्या मान लेना, भ्रांति दर्शन। आगे बढ़ते हैं, साधना करने पर भी योग की भूमिकाओं में स्थिति का प्राप्त न होना। लगातार आप लगे रहे लेकिन वो स्थिति, जो योग की स्थिति को प्राप्त होना, जैसे आप समाधि का प्रयास करेंगे, ध्यान का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी स्थिति नहीं प्राप्त होती, तो उसको कौन सा अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं, वो कौन सी व्याधि है, अलब्ध भूमिकत्व। और जब किसी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती, तो उससे आपका क्या होता है, उत्साह आपका कम हो जाता है, उसका उत्साह भंग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, तो धीरे धीरे आप उस कार्य को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो महर्षि ने इसको भी एक बाधक माना, छोड़ना नहीं है, किसी कार्य में लगे हैं और मन लगा के पूर्ण निष्ठा के साथ जब लगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो अलब्ध भूमिकत्व एक ऐसा व्याधि है जिसमें आप करते करते लेकिन जब स्थिति नहीं प्राप्त होती है, तो ये एक अलग व्याधि महर्षि ने बताया। आगे बढ़ते हैं, योग साधना में किसी भूमिका में चित्त का स्थित होने पर भी उसमें चित्त का न ठहरना, अनवस्थित्व अंतराय, यह आखिरी अंतराय है, नवा अंतराय है। आप मान लीजिए साधना में लगे हैं, आपको कुछ ध्यान की प्राप्ति होने लगी, आपका मन नियंत्रित होने लगा, लेकिन बहुत देर तक उसमें आप रुक नहीं पा रहे, बहुत देर तक मन को एक जगह एकाग्र नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो ये कौन सा है, अनवस्थित्व। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, ओम के जप तथा ईश्वर के सतत ध्यान चिंतन से ये अंतराय भली प्रकार शांत हो जाता है। ये अंतरायों को शांत करने का महर्षि ने क्या मार्ग बताया है, तो ईश्वर प्रणिधान, ओम का जप, ध्यान या चिंतन जिसको हम कहते हैं, कंसंट्रेशन को एकाग्र करना, योग मार्ग में लगे रहना, किसी एक कार्य को लगातार करते रहिए, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो इन नौ व्याधियों से दूर करने पे आपको योग की प्राप्ति, या ये यूँ कह सकते हैं जीवन के किसी भी कार्य में आप सफल हो सकते हैं। तो इस योग का महत्व सिर्फ आपके इसी जीवन में नहीं, किसी भी कार्य में, अपने जीवन के किसी भी कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। इन विघ्नों को साथ देने वाले पांच और विघ्न हैं, हम आगे देखेंगे, ये नौ अंतराय हैं, इसके साथ साथ पांच और विघ्न योग में प्राप्त होते हैं। महर्षि ने एक सूत्र के माध्यम से, हम देख सकते हैं ये पांच विघ्न कौन कौन से, महर्षि ने इनको सूत्र के माध्यम से इनको भी बताया है। तो दुख, दौर्मनस, अंग मेजत, श्वास प्रश्वास, विक्षेप सहभू, विक्षेप सहभुआ, तो ये पांच विघ्न महर्षि ने बताए, दुख, दौर्मनस, अंग मेजत, श्वास प्रश्वास, विक्षेप सहभुआ, तो वो अंतराय बताए। और इसको उन्होंने क्या बताया, सब हुआ, या उनके उप विघ्न, इसको आप कह सकते हैं उप विघ्न, पांच उप विघ्न हैं, नौ विघ्न हैं, नौ विघ्न अभी हमने पढ़ा, अब पांच उप विघ्नों पे भी विस्तार पूर्वक आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है, दुख, मन का क्षोभ, अंगों में कंपन, अनियमित श्वास प्रश्वास, ये पांच विघ्न हैं या विक्षेप सा हुआ है। तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद आदि उपयुक्त नौ विक्षोपे के साथ
ये उत्पन्न होते हैं। अभी हमने कहा नौ विघ्न थे जिसको हमने अभी इसी उसमें समझने का प्रयास किया है, फिर ये पांच विघ्न हैं जो इन्हीं नौ विघ्नों के साथ उत्पन्न होते हैं। तो वो कौन कौन से, एक बार फिर से याद करेंगे, दुख, दौर्मनस, अंगमेजत, श्वास और प्रश्वास। अब इनको एक एक करके समझेंगे। तो दुख हम सभी ने पढ़ा है, अगर योग के विद्यार्थी हैं तो वास्तविक रूप से हमने इसको अध्ययन जरूर किया होगा। दुख हम देखते हैं तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से, तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख आपको प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं। देहजन विकार से चिंतन में मन न लगना दैहिक दुख है, ठीक है ना। जैसे वायु का प्रकोप, स्नायिक व्याधियाँ, अभी जो हमने जिसको पहला व्याधि अंतराय माना था, व्याधि जिसको हमने कहा कि रोग की उत्पन्न हो जाना ही व्याधि है, वही यहाँ पे है। तो देहजन शरीर, मतलब देहजन मतलब शरीर में आपको किसी प्रकार का रोग हो गया या आपका कोई दिक्कत हो गई, दुर्घटना हो गई, तो वो उससे आपका क्या है, चिंतन में मन नहीं लगेगा, योग में मन नहीं लगेगा। तो ये दैहिक, बहुत ही सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं, पहला दुख कौन सा है, दैहिक। दूसरा फिर क्या है, दैविक, इसको आइए समझते हैं। शरीर में रोग अथवा वासनाओं से चित्त की चंचलता, शरीर में रोग हो गया, वासना है, आपका मन नहीं एकाग्र हो रहा है, भटक रहा है, तो उससे क्या होगा, चित्त क्या होगा, चंचल होगा। तो ये कौन सा रोग, ये कौन सा दुख है, दैहिक, फिर दैविक। हाँ, ये अभी दैहिक ही है, चित्त की चंचलता है, क्या है, दैहिक है, मन चंचल है तो बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा, तो ये दैहिक कारण है। आइए दैविक में, दैविक में जैसा कि आप समझ सकते हैं, बिल्कुल दैवी, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या तमाम घटनाएं घट रही हैं ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जिसको हम कह सकते हैं, अत्यधिक गर्मी पड़ गई, अत्यधिक ठंडी पड़ गई, इससे क्या होगा, एक जो दैविक दुख है, ये कौन से दुख हैं, ये दैविक दुख हैं। तो दैहिक दुख, दैविक दुख, और अंत में कौन सा दुख है, भौतिक दुख। जड़ चेतन स्थावर प्राणियों द्वारा मिलने वाला आघात। तो भौतिक दुख कौन सा है, भौतिक दुख में आप देख सकते हैं तमाम प्रकार, मान लीजिए आपसी झगड़े हो गए, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, या कभी कभार आपस में दो देश लड़ गए, समाज लड़ रहे हैं, जातियों में टकराव हो रहा है, ये सब क्या है, ये भौतिक दुख है। तो तीन प्रकार के दुख हम देख सकते हैं, तो ये विघ्न है, ये आपके क्या है, विघ्न है। पहला क्या था, दुख था, दुख कितने प्रकार के, तीन, दैहिक, दैविक और भौतिक, सबको हमने अलग अलग समझा। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दे के समझेंगे, इस उदाहरण में कहानी थी, भगवान महावीर एक बार भजन में बैठे थे और एक चरवाहे ने उनके कान में कुश की कील ठोक दी। इस कहानी को हम एक बार समझेंगे, पूर्व थोड़ा सा उदाहरण दे को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार महावीर स्वामी चिंतन में लगे थे, योग मार्ग में लगे थे, ध्यान की अवस्था में थे, तो एक चरवाहे की गाय जंगल में चराने का प्रयास किया था, वो गायब हो गया। तो जंगल में खोजते खोजते एक बार महावीर स्वामी के सामने पड़ जाता है, तो उसने महावीर स्वामी से पूछा कि आपने मेरी गाय को देखा। तो महावीर स्वामी क्योंकि चिंतन में लगे थे, पूर्णतया ध्यान में अवस्थित थे, तो कोई शब्द उन्होंने बोला नहीं। फिर वो चरवाहा घूम, जब देख लिया नहीं बोला, तो फिर से ढूंढने लगता है। बहुत देर तक वो ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हुआ, उसको उसकी गाय नहीं मिली। तो फिर वो लौटा उसी मार्ग पर, तो देखता है वो गाय संयोगवश महावीर स्वामी के सामने आके बैठ गई। तो वो बहुत नाराज़ हुआ कि अरे ये गाय तो इनके सामने बैठी है, फिर भी ये नहीं बता पाए। तो इतना नाराज़ हुआ कि उसने कील, कुश जिसको कह सकते हैं, लकड़ी का, वो उनके कानों में बहुत तेज़ी से ठोक दिया था, और उसके बाद नहीं रहा गया तो ईंट लगा दिया, ईंट से और ठोक दिया, तो काफ़ी अंदर चला गया था। फिर भी महावीर स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस स्थिति को देख के उस चरवाहे को थोड़ा सा वो हुआ कि इनको कोई पीड़ा नहीं हो रही। कुछ उसके आगे कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुछ समय बाद जब उनके मिलने वाले शाम होते होते लोग आए, जो महावीर स्वामी के रोज़ सायं प्रवचन सुनते थे, उन्होंने देखा वो कान में उनके किसी ने कुश की लकड़ी डाल दिया है। तो उन्होंने जब उस कुश की लकड़ी को खींचा, तब उनको एहसास हुआ और उनके मुख से बहुत चीख निकला। तो लोगों ने पूछा, भगवान जब ये गाड़ा गया तब आपको दर्द नहीं हुआ, और निकालते समय आपको ये दर्द हुआ, इतनी तेज आपको पीड़ा हुई, आप चीख पड़े। तो महावीर स्वामी ने कहा कि उस समय ये मन क्या था, एक जगह एकाग्र था, मुझे पता भी नहीं चला।
तो योग में चिंतन करते करते कंसंट्रेशन या ध्यान की वो अवस्था आ जाती है जिसमें आपको फिर और कोई विघ्न या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्रियाएं घट रही तो आपका मन वहाँ नहीं जाता, आपका चिंतन इतना एकाग्र और उच्च अवस्था में पहुँच जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, बहुत से साधक कहते हैं सज्जन ठीक नहीं है, ये हमसे द्वेष रखते हैं। आपके समाज में भी ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरों की क्या करते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, अपने कार्य को नहीं देखते, वहाँ पे नहीं आगे देखते हैं। आप भजन करने आए हैं या लोगों की भावना का संग्रह करने, तो योग मार्ग में लगे हैं तो अपने ही काम को करिए। अपने काम को जो अच्छे से कर लेगा वो तभी सफलता प्राप्त होगा। यहाँ पे ये बात उदाहरण द्वारा समझाया गया, अपने काम को बहुत अच्छा करिए, दूसरों के कार्यों में बहुत वो नहीं करना चाहिए, अपना ही काम जो है उसको करते रहे। मन में अनमनापन खिन्नता इच्छा के विरुद्ध घटित होने पर क्षोभ इत्यादि दौर्मनस्य है। तो पहला क्या था, दुख था, दूसरा क्या है, दौर्मनस्य। दौर्मनस्य क्या होता है कि आपके मन के कार्य नहीं हो गए, खिन्नता आ गया, या कोई कार्य आपको अच्छा लग रहा है लेकिन वो नहीं हो पा रहा, तो वो कौन सा दुख है, उसको महर्षि ने कहा दौर्मनस्य। क्या नाम दिया, दौर्मनस्य। फिर आता है तीसरा क्या है, सब विक्षेप सब हो। तीसरा क्या है, अंगों में आकस्मिक कंपन अंग मेजत्व है। कंपन अंगों में कंपन हो गया या कोई बीमारी, एक तरह से इसको आप कहेंगे व्याधि, शारीरिक रोग कह सकते हैं कि शरीर कभी कभी कांपने लगता है, कमजोरी आ गया, तो इससे भी आपका योग या चिंतन में मन नहीं लगेगा, तो ये तीसरा व्याधि है। चिंतन में सूरत स्थित होने पर भी जिस पल मन विचारों से रिक्त होता है तो एक झटका सा लगता है, तो झटका, ये झटका का मतलब क्या है, एक आनंद आएगा। आप देखेंगे जब मन एकदम नियंत्रित रहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका चिंतन एक जगह स्थिर हो जाए, किसी कार्य में मन लगता है तो आपको उस पल क्या होता है, आनंद की प्राप्ति। तो महर्षि वही कहना चाहते हैं कि जो अच्छा लगता है उस समय आप बहुत उद्वेलित ना हो जाइए, बहुत प्रसन्न ना हो जाइए। और दाएँ बाएँ देखिए, यहाँ क्या होता है, साधक कभी कभी योग में अच्छी स्थिति आने पे वो इतना उद्वेलित हो जाता है कि उछलने कूदने लगता है और आगे पीछे दाएँ बाएँ नहीं देखता है और गिर सकता है। तो महर्षि कहते हैं इसे सतर्क रहते हुए, एक देखिए गुरुदेव भगवान थे जिन्होंने साधना किया और योग की प्राप्ति को, उन्होंने क्या कहा, पूज्य महाराज जी निर्देश देते थे कि साधक का आसन न अति ऊँचा हो न अत्यंत नीचा हो, इस प्रकार शारीरिक कंपन क्या है, अंग मेजत। तो जो आपका आसन है बहुत ऊंचा हो गया तो भी दिक्कत है और नीचा रहेगा तो भी दिक्कत है, तो एक मध्यम मार्ग में ही कार्य करते रहना चाहिए और साधना और भजन और योग में चलते रहना चाहिए। आइए आगे देखें, कभी कभी इन व्याधि इत्यादि अंतरायों के प्रभाव से योग का सांगोपांग अनुष्ठान नहीं हो पाता है, योग के किसी अंग के अनुपालन में त्रुटि आ जाने से मन खिन्न हो जाता है, हठात श्वास का बाहर निकल जाना भी योग का सविक्षेप है ना। तो ये कौन सा है, चौथा कौन सा था, श्वास, चौथा विक्षेप सब क्या था, श्वास। तो कभी कभी आपका मन प्रसन्न नहीं रहा या कोई कार्य अच्छा नहीं हो तो अचानक मुंह से आह निकल गया या कोई मन खिन्न हो जाता है, तो उसको यहाँ महर्षि ने उसको भी विक्षेप सब हुआ के अंतर्गत श्वास माना गया, श्वास का बाहर निकल जाना योग का सविक्षेप है। जो कुछ भी साधक में थोड़ा बहुत सीखा ना चाहते हुए भी उस जानकारी का व्यक्त हो जाना प्रश्वास संबंधी विक्षेप है। आप योग करते करते कुछ स्थिति को प्राप्त कर पाए हैं, कुछ साधना कुछ फल प्राप्त कर पाए हैं, लेकिन आप लगे उसको बतलाने, उसको प्रदर्शित करने, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर भी क्या हो गया, कुछ अहम भावना आ जाएगी। अभी आप स्थिति को तो प्राप्त नहीं किए हैं लेकिन उसको व्यक्त करने लगेंगे, तो इसको महर्षि ने रोका। ये कौन सा है, ये भी सब हुआ, इसको क्या कहते हैं, प्रश्वास। प्रश्वास, श्वास मतलब बाहर अंदर लेना, प्रश्वास मतलब बाहर जाना। तो अंदर वाली श्वास जो लिया है वो तो ठीक है, वो भी विघ्न है, और बाहर जो आपने प्रदर्शन किया है, यहाँ श्वास मतलब श्वास नहीं, आपने योग के मार्ग में जो सफलता प्राप्त की उसको प्रदर्शन करने लगे तो वो भी एक विघ्न है, क्योंकि अभी आप स्थिति को नहीं प्राप्त किए हैं। अनाधिकारी द्वारा उपदेश एक ऐसा ही चेष्टा, यहाँ देखिए स्पष्ट महर्षि ने कहा है कि अभी आप उस अधिकारी की अवस्था में नहीं कि आप उपदेश दे पाएँ या अपनी बातों को रख सकें, है ना, तो वो चेष्टा करना भी एक विघ्न है।
उसी तरह श्वास संबंधी विक्षेप क्लिष्ट संकल्प बाह्य संकल्पों का साधक के भीतर प्रवेश कर जाना, जिससे व्यर्थ साधक चिंतन करने लग जाता है या बार बार मन उद्वेलित करता रहता है। ये सब क्या है? ये सब विघ्न है। तो ये पांच प्रकार के विक्षेप सब हुआ का भी इन्होंने महर्षि ने वर्णन किया है। तो ये इस प्रकार हमने अभी नौ अंतरायों का हमने अध्ययन किया और फिर उसके पांच विघ्नों का या विक्षेप सब हुओं का अध्ययन किया है। इसके आगे विद्यार्थियों फिर हम जल्द ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।